हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं निशांत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो आप लोगों की जेई की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए टीम सीएलसी ने एक गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स फॉर जेई मेन सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हमने क्या किया है, 2019, 2020 और 21 का जो फरवरी और मार्च का अटेम्प्ट है उसमें जेई मेन में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया है। तो आज हम यहां यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हम यूनिट 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, मतलब शुरू से सेंटर ऑफ मास तक का जो पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस यूनिट 4 में हम क्या करेंगे, रोटेशन मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, देखो कई बार ऐसा देखा गया है कि जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एज इट इज हमारे पास या उसी में थोड़ा सा डाटा चेंज करके वो मेडिकल में, नीट की एग्जाम में भी क्या किया, पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोज है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं, तो आप लोग भी कंटिन्यूटी के साथ इनको देखते रहें। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की यूनिट 4 में हम रोटेशन मोशन डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा वेटेज का हमारे पास चैप्टर है, काफी ज्यादा अमाउंट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन हमारे पास 19, 20 और 21 की सीरीज में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए हमने इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज इस यूनिट में, आज के डिस्कशन में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है रोटेशन के वो इसी के पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, दोनों के दोनों हमारे पास रॉड्स जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है, इज सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। ठीक है, इसको स्ट्रिंग की हेल्प से सस्पेंड किया गया है। ए बी और ए सी दोनों की लेंथ इक्वल बोली गई है एंड द एंगल मेड बाई ए बी विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा। ये वर्टिकल से जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू पूछी है, बेसिकली थीटा में रिलेशन पूछ लिया आपको। क्लियर है क्या, जब ये रॉड इस तरह से सस्पेंडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले जरा एक चीज हम सोचते हैं कि देखो भाई, हमने एक स्ट्रिंग से मास एम सस्पेंड किया। अब इसको अगर हम देखें कि भाई इक्विलिब्रियम में अगर ये रखा हुआ है सस्पेंडेड, तो इस तरह से वर्टिकली ये सस्पेंडेड होता है। अगर इसको यहां से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर अगर मैं रख दूं, तो डेफिनेटली यहां से इसको रिलीज करते ही वापस ये वर्टिकल होने की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहां अगर मैं देखूं ना, तो एम जी लग रहा है नीचे, इस एम जी का इधर जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा। तो देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट अगर मैं बात करूं, तो एम जी कॉस थीटा जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो हो गया 0। बट ये एम जी साइन थीटा जो है ये क्या करेगा, इसका इसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, तो ये इसको यहां इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देगा। तो होगा क्या, इस टॉर्क की वजह से अगर इसको इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो फाइनली नीचे आएगा, और इस कंडीशन में क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। मतलब अगर इसको सस्पेंड करना है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो क्या रहा है कि एम जी का जो टॉर्क है ना, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या करना है, हमें 0 करना है। अब mg का टॉर्क 0 होगा, मतलब अब mg ग्रेविटी जब लगती कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब चाहे वो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई रैंडम शेप की यहां बॉडी होती है, उसके लिए भी सेम कहानी होती, अगर वो सस्पेंड की गई है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के साथ वर्टिकल लाइन में आ जाता। अब इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जरा, देखें कहानी क्या, हमारे पास ये एल शेप की रॉड हो गई हमारे पास, ठीक है, और ये वर्टिकल से जो एंगल बना रही है वो बना रही है थीटा। एल शेप की रॉड, ये 90 है और ये वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा। क्लियर, ठीक है भाई। और हमें पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब डेफिनेटली इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के साथ इसी वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट है वो है ओरिजिन। क्लियर, इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ये जो रॉड है इसका मास मान लेते हैं एम, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से एल वाई टू पर हो जाएगा। क्लियर, तो एम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये थीटा, तो
तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एक्स इस एम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा। ठीक है भाई, तो एम के लिए तो क्या आ गया एल बाई टू साइन थीटा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, साथ में अगर मैं देखूं तो मैं मान लेता हूं इसका जो नीचे वाली रोड का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं होगा एम मास का, ये लेंथ एल बाई टू हो जाएगी क्योंकि सिमेट्रिक हमारे पास यूनिफॉर्म रोड है तो इसके बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो इस वाले पोर्शन के लिए सेंटर ऑफ मास यहां हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो इस एम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा। क्लियर? और अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, सेंटर ऑफ मास जब इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कह सकता हूं यहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस वो ये हो जाएगी, क्लियर, जो कि कितनी हो गई, ये एल है तो ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा, मतलब एक्स यूएम हमको पता लग चुका है एल साइन थीटा। अब हमें करना है क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजिशन पता है एक्स यूएम इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपन एम वन प्लस एम टू, कंडीशन लगा के हम इजिली यहां पर थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो लगाते कंडीशन एक्स यूएम इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो देखो एक्स यूएम कितना हो गया एल साइन थीटा, एम वन एम है, एक्स वन की वैल्यू एल वाई टू साइन थीटा प्लस एम टू की वैल्यू एम, एक्स टू की वैल्यू एल वाई टू कॉस थीटा, नीचे एम वन प्लस एम टू दोनों का कितना हो गया टू एम हो गया। सॉल्व करते जरा इसको, तो एल तो सब में से गया, ठीक है एम भी गया तो बच किया गया यहां पर, ये बच गया टू साइन थीटा इक्वल टू एल वाई टू साइन थीटा प्लस एल वाई टू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो टू साइन थीटा साथ में एल भी है तो टू एल साइन थीटा, ठीक है में से एल बाई टू साइन थीटा, टू में से एल बाई टू जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री बाई टू एल साइन थीटा इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा। तो हम यहां से देख सकते, देखो टू से तो टू गया, कॉस इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू बन गई हमारे पास वन बाई थ्री। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर ये टेन थीटा की वैल्यू क्या रही होगी वन बाई थ्री। क्लियर है क्या? अब भाई इतना अगर किसी बच्चों को डाउट आता कि सर मैंने स्मॉल एम जो है वो इधर क्यों नहीं माना, देखो अपन कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं होना चाहिए, इस लाइन पर होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पर होने के लिए एक मास अगर लेफ्ट में तो दूसरा मास राइट में ही होना पड़ेगा। क्लियर? खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, हमने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व कर लिया। तो देखें जरा ऑप्शन, तो टेन थीटा की वैल्यू वन बाई थ्री, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा, अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड, इसको क्या किया है इस पॉइंट पर पिवोट किया गया है, इट इज रेज्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज फ्रॉम द फिगर एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब क्या किया, इसको यहां से इतना रेज करके रिलीज कर दिया गया, इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल, क्या होगी हमारे पास जब ये हॉरिजॉन्टल यहां से रिलीज करने पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी इसकी हमसे पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास जो वो यहां कहीं होगा एल बाई टू पर। क्लियर? तो ये जो हाइट है ये कितनी हो गई एल बाई टू साइन थीटा, तो ये हो गई एल बाई टू साइन थर्टी, मतलब एल बाई फोर हो गई। अब जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इस एक्सेस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही होगी, तो हम बोल सकते हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ भाई, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है, तो हम बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ आई, आई हिंज पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो सॉल्व कर ले वैल्यू, इससे गया टू टाइम्स तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो एम से एम गया एल से एल गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट थ्री जी बाई टू एल। अब वैल्यू रख दें, जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो 30 हो गई, एल की वैल्यू हमें 0.5 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर दे रखी है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 13
30 रेडियन पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला अ होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज पुल्ड ऑन अ क्रिकेट पिच बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, एज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज। क्या कहानी है कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंड्रिकल क्या है, हमारे पास एक रोलर है जिसका मास एम और रेडियस आर दे रखी है, और इसको एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन पे, एक हॉरिजॉन्टल बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स की हेल्प से क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। अब देखो रोलर बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि भाई इस तरह से ये मान लो 3D में अगर इसका डायग्राम देखें तो एक सिलेंडर जैसा हो गया, और यहां इससे लगे होते हैं हमारे पास दो हैंडल्स जिससे हम बेसिकली इसको पकड़ के आगे पीछे मूव करा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं, मतलब ये जो फोर्स जो लग रहा है ना, ये लग रहा है कहां पर, सेंटर पे लग रहा है। ये हो गई हमारे पास ग्राउंड हो गया। तो इस सिचुएशन में बोला गया है कि बताओ हमारे पास इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो देखें जरा। अब देखो यहां एफ लगा है, तो एफ की वजह से इसको क्या मिलेगा, एफ सेंटर पे लग रहा है, सेंटर पे लगने की वजह से इसको ट्रांसलेटरी मोशन मिलेगा, ट्रांसलेटरी मोशन मिलेगा तो इसको आगे मिल जाएगा ए। क्लियर, जिसकी वजह से इसके हर एक पॉइंट को आगे की तरफ एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हर एक पॉइंट को ट्रांसलेटरी वेलोसिटी मिलेगी तो इस पॉइंट को भी मिलेगी, तो ग्राउंड और इस पॉइंट की भी छोड़ने लगेगी स्लिपिंग। तो स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पॉइंट पर पीछे की तरफ लगना पड़ेगा फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो, अब इसके पास दो इफेक्ट आ जाएंगे। कैसे? एफ और फ्रिक्शन का नेट इफेक्ट जो इसको ट्रांसलेटरी कराएगा, और केवल फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो इसको क्या कराएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मोशन कराएगा। तो फाइनली ये प्योर रोलिंग की कंडीशन अचीव कर लेगा हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई ये प्योर रोलिंग ही कर रहा है। क्लियर, तो ये प्योर रोलिंग अगर हमारे पास कर रहा है तो अल्फा पूछा है। ठीक है भाई, तो देखें, तो देखो पहले तो इसके लिए हम ट्रांसलेटर की कंडीशन लिख लेते हैं। तो आगे की तरफ फोर्स एफ, तो एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ये तो ट्रांसलेटरी का रिलेशन आ गया। दूसरा, अगर स्लिपिंग नहीं है तो देखो ट्रांसलेटरी की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आएगा, साथ में फ्रिक्शन की वजह से इसको क्लॉकवाइज अल्फा मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट को पीछे की तरफ मिलेगा अल्फा आर, और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू क्या रहा होगा, अल्फा आर। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट है वो रहे, उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन जीरो होना पड़ेगा। और हमें पता भी है कि अगर फिक्स सरफेस पे रोलिंग कर रहा है तो बॉटम पॉइंट जो है हमारे पास वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू अल्फा रिलेशन मिल गया। दूसरा हम देखें तो भाई टॉर्क की इक्वेशन लगा लो, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो क्या लिखेंगे हम, एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, और ये सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये आएगा अल्फा। तो देखो यहां से एफ आर की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, यहां से देखो एफ आर की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, ए बाई आर, तो ये तो गया, एफ की वैल्यू आ गई एम ए बाई टू, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो एफ माइनस एम ए बाई टू इक्वल टू एम ए, तो यहां से एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री बाई टू एम ए, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास टू एफ बाई थ्री एम। क्लियर, अब लीनियर एक्सेलरेशन आ गया, रोटेशनल हमारे पास एक्सेलरेशन की बात की गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो हो जाएगा ए बाई आर, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टू एफ बाई थ्री एम आर, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला टू मॉप क्लीन अ फ्लोर, अ क्लीनिंग मशीन प्रोसेस अ सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस आर वर्टिकली डाउन विद अ टोटल फोर्स एफ एंड रोटेट इट विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट इट एक्सिस। इफ द फोर्स एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप एंड इफ द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉप ऑन द फ्लोर इज म्यू, देन द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप इज। क्वेश्चन समझना जरा, क्या क्वेश्चन हमारे पास कि भाई ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, उसको मैंने बोर्ड पे इस तरह से बना दिया। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, पूरे के पूरे डिस्क पर एक एफ फोर्स लगाया गया है, तो उतना ही इस पे नॉर्मल मिल जाएगा एफ के इक्वल। मतलब मैं कह सकता हूं इस पूरे डिस्क पे जो ग्राउंड है, ये जो बोर्ड है ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो ग्राउंड है इस डिस्क पर जो फोर्स लगाएगा नॉर्मल का वो हो गया एफ। अब ये एफ जो है पूरी की पूरी डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पर यूनिट एरिया पे फोर्स आ जाएगा एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है भाई, अब सुनना, हो क्या रहा है कि ये जो डिस्क है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है।
अब ये अगर कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है तो सुनना क्या होगा कि जब ये ओमेगा से रोटेट करेगी तो किसी भी पॉइंट को अगर मैं देखूं तो किसी भी पॉइंट पे ऊपर की तरफ ओमेगा आर वेलोसिटी होगी, तो इसको अपोज करने के लिए उस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन का ये जा रही है इधर, फ्रिक्शन का इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, टॉर्क आएगा, और ये टॉर्क जो है वो ओमेगा को रिड्यूस कराएगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि क्या करे, कॉन्स्टेंट ओमेगा से चलाना है, तो फ्रिक्शन जितना टॉर्क इधर लगा रहा है उतना ही अगर मशीन अपोजिट में दे दे हमें तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और ये जो मॉप है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट करता रहेगा। और बोला है कि भाई मशीन वो जो है वो टॉर्क कितना लगाएगी, तो सीधी सी बात है जितना फ्रिक्शन का टॉर्क है उतना मशीन लगा दे तो कॉन्स्टेंट ओमेगा से काम हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है। तो देखना जरा कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना। तो देखो ये हमारे पास हो गई ये डिस्क, मैं क्या करता हूं इससे आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट ले लेता हूं, ये क्लियर, डी आर थिकनेस है इसकी, ये हमारे पास डी आर थिकनेस, ठीक है। तो इस रिंग एलिमेंट का एरिया डी ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा, सॉरी इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ 2 पाई आर इनटू डीआर, ठीक है। अब देखो पर यूनिट एरिया पे इतना फोर्स नॉर्मल का लग रहा था, तो इस पूरे के पूरे रिंग एलिमेंट पे लगने वाला जो डीएन होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा डीए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है वैल्यू बाद में रख लेंगे, इतना डीएन लग गया। अब सुनना जरा क्या होगा, मुझे निकालना है फ्रिक्शन का टॉर्क, तो समझना अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, मान लो डीएफ, क्लियर, डीएफ की वैल्यू मैं लिखूंगा म्यू इनटू इस एलिमेंट का डीएन, राइट। तो अगर यहां से डिस्टेंस आर है तो इस पे इस डीएफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, डीटा हो जाएगा इसका, डीएफ आर मतलब म्यू डीएन आर, क्लियर। अब देखो जितना टॉर्क फ्रिक्शन का डीएफ का जो इस वाले एलिमेंट पर जो टॉर्क लगा वो कितना लगा, म्यू डीएन आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस एफ से अंदर की तरफ हो जाएगी। सेम आर डिस्टेंस पे यहां अगर मैं पॉइंट लूं तो उस पर भी कितना लगेगा, म्यू डीएन आर लगेगा, उसकी डायरेक्शन भी अंदर, सेम यहां, मतलब इस पूरे के पूरे रिंग एलिमेंट पे जो हमारे पास टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन का वो क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। और हम क्या कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के नेट टॉर्क को टोटल जोड़ के डायरेक्टली एड करके हम पूरे के पूरे रिंग पर टॉर्क निकाल सकते। तो रिंग पर फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, देखो तो रिंग पर फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, वो आ जाएगा म्यू डीएन, क्लियर, यहां देखो म्यू डीएन इनटू आर, म्यू डीएन इनटू आर, ये तो हुआ म्यू डीएन आर, म्यू डीएन आर, म्यू डीएन आर, म्यू डीएन आर। तो पूरी की पूरी रिंग के लिए तुम डायरेक्ट टॉर्क लिख दो क्या, म्यू इनटू इस पूरी रिंग पर लगने वाला नॉर्मल इनटू आर, क्लियर। ये आ गया इस रिंग एलिमेंट पे, किधर, अंदर की तरफ, क्लियर है क्या। अब हमें क्या करना है, पूरी की पूरी डिस्क पर निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं कहां से, जीरो से लेके रेडियस तक। तो यहां पर फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा हमारे पास म्यू, डीएन की वैल्यू हमारे पास सिग्मा, डीए है 2 पाई आर डी आर, साथ में आर, इंटीग्रेशन करना है जीरो से कैपिटल आर, तो ये वैल्यू आ गई म्यू सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आर वैल्यू रखते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा म्यू सिग्मा की वैल्यू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से आर क्यूब बाई 3, इतना जो टॉर्क है ना हमारे पास, सॉरी एम नहीं है, एफ अपॉन है एफ, क्लियर, इतना जो टॉर्क है वो हमारे पास किसका आएगा, फ्रिक्शन का। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो पाई से पाई गया, तो ये आ गया हमारे पास 2/3 म्यू एफ आर, 2/3 म्यू एफ आर फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, इतना ही मशीन को लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखें जरा, करेक्ट आंसर वो 2/3 म्यू एफ आर, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बोला है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, स्फेरिकल बॉल्स है मतलब सॉलिड स्फीयर है, ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 2r, ये रॉड की लेंथ 2r दे रखी है और मास दे रखा कैपिटल है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ द रोड, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं हम, देखें जरा क्या हो जाएगा। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रॉड के लिए तो सेंटर ऑफ मास हो गया,
सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2R लेंथ की रॉड है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये तो आ गया रॉड का। अब इस स्पेयर का देखो, स्पेयर का जो है हमारे पास डायमीटर के अबाउट कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस आर 2R। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब एम 2R का होल स्क्वायर। ये तो आ गया एक स्फीयर का। सिमेट्री से बोल सकते हैं उसका भी इतना ही होगा, तो डबल कर दो। अब सीधा ऐड करना है बस, इजीली हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, देखो कितना, ये हो गया हमारे पास एम बाई एम आर स्क्वायर बाई 3 प्लस, ये हो गया हमारे पास देखो कितना, ये 4 हो जाएगा 5 22 44 बाई 5 एम आर स्क्वायर। एड करते हैं तो नीचे एलसीएम 15, ये आ जाएगा 5 प्लस एम आर स्क्वायर। तो आंसर हमें साफ साफ दिख गया 137/15 एम आर स्क्वायर, मतलब थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या बोला है, बोला अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3L हैज टू मासेज अटैच एट ईच एंड एज सून फिगर। यहां पर 2m नॉट, यहां पर 5m नॉट, ले m नॉट मास है l और 2l लेंथ पे। साथ में बोला द रॉड पिवोटेड एट अ पॉइंट p ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रॉड जो है उसको p पॉइंट पे पिवोट किया गया है, मतलब ये जो रोटेट करेगी ना वो इसी p पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट करने वाली है। व्हेन रिलीज फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात पूछी है, क्लियर? तो देखना जरा क्या हो जाएगा। तो देखो जैसे इसको रिलीज करेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट यहां लगेगा 2m नॉट g और यहां ग्रेविटी की वजह से कितना लगेगा, 5m नॉट g। तो ये 5m नॉट g जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और 2m नॉट g का जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। बट अगर टॉर्क देखें तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो गया, f into l, मतलब 5m नॉट g l एंटी क्लॉकवाइज में, और इसका कितना हो जाएगा f into 2l, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में 2-4 m नॉट g l। बेसिकली क्या किया मैंने, f into 2l कर दिया, इक्वल टू मैं बोल सकता हूं i अल्फा। तो यहां से इजीली आई अल्फा से क्या जाएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो देखो i की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 5 m नॉट l स्क्वायर, साथ में 2m का कितना हो जाएगा, 2m नॉट 2l का होल स्क्वायर इंटू एल्फा। तो आई एल्फा यहां से इजिली एल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ गया हमारे पास एम नॉट जी एल इक्वल टू 5 और 8, ये हो गया 13 एम नॉट एल स्क्वायर एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू यहां से हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, जी अपॉन 13 एल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इस रोड कर रहा होगा, जी अपॉन 13 एल, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला अ स्लैब इज सब्ट्रैक्टेड बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2। ये F1 F2 इस पर फोर्स लग रहे हैं और दोनों का ये मैग्नीट्यूड क्या बोला, F बोला है। फोर्स F2 इज इन XY प्लेन व्हाइल फोर्स F1 एक्स अलोंग जेड एक्सिस। F1 जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा है, तो F1 को तो मैं सीधा वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, ये तो हो गया FK कैप। ठीक है, और इसका जो पॉइंट जो दे रखा है हमें, ये पॉइंट वो दे रखा है 2i कैप + 3j कैप। द मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज पूछा। अब देखो F2 को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो F2 की वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये F है तो इसका ये F हो गया, इधर 30 तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F cos 30। तो ये आ गया F cos 30, मतलब F√3/2 किस डायरेक्शन में, -j कैप में। ठीक है, साथ में ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F sin 30, वो भी किधर, इधर x है तो अंदर माइनस एक्स हो जाएगा, तो -F/2 i कैप। ये फोर्स हो गए। ठीक है, साथ में हमें पॉइंट्स भी पता है, ये वाला पॉइंट कितना है, R1 जिस पे F1 लग रहा है वो दे रखा है 2i कैप + 3j कैप, साथ में R2 जिस पे F2 लग रहा है। तो साफ साफ देख सकते हैं यहां से 6, मतलब ये y एक्सिस पे 6 मीटर लेंथ पे हो गया पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6j कैप। अब पॉइंट पता है, फोर्स पता है, इजीली R क्रॉस F करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा कर लेते कैलकुलेशन। तो पहले नेट आओ, देखो हम लिख सकते हैं F का कितना हो जाएगा, R क्रॉस F1। इसी तरह से F2 का हो जाएगा R2 क्रॉस F2। R1 की वैल्यू कितनी है, 2i कैप + 3j कैप क्रॉस F1 की वैल्यू कितनी है, FK कैप, प्लस R2 की वैल्यू 6j कैप क्रॉस
एफ टू की वैल्यू माइनस एफ वाई टू आई कैप माइनस एफ रूट थ्री वाई टू जे कैप। अब बस इसको सॉल्व करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको आता ही है। तो देखो क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा देखो आई क्रॉस के करेंगे तो k क्रॉस i होता है j, तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस j, तो माइनस टू एफ j कैप। j क्रॉस k करेंगे तो आ जाएगा i प्लस थ्री एफ आई कैप। यहां अगर देखें तो j क्रॉस j तो जीरो हो गया, j क्रॉस i करना है बस, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एफ। देखो j क्रॉस माइनस i करना है तो j क्रॉस माइनस i करो चाहे i क्रॉस j कर दो एक ही बात है, तो यहां आ जाएगा ये k कैप। तो नेट टॉर्क कितना आ गया, नेट टॉर्क आ गया हमारे पास थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, बाहर एफ आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखें जरा कौन सा है, तो ऐसा जो ऑप्शन हमें दे रखा है थ्री माइनस टू और थ्री, तो ऐसा हमारे पास थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी जो है हमारे पास, उसको कट, उसमें क्या किया गया, इज कट फ्रॉम अ थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड। ठीक है, DEF are the midpoints of its sides. ये जो DEF जो है साइड के क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, as in figure, G is the center of the triangle, जो सेंटर हो गया, the moment of inertia of the triangle about an axis passes through the through G and perpendicular to the plane of the triangle is I naught. If the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of the remaining part about this axis is I, then I की वैल्यू I naught के टर्म्स में पूछिए। क्लियर, तो समय नजर आ कि भाई ये हमारे पास एक क्या है ट्रायंगुलर शीट और ये सारे मिड पॉइंट हैं, तो ये हो गया हमारे पास साफ साफ दिख रहा है ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखना मैं मान लेता हूं इसकी साइड ए है और मां से पूरी की पूरी शीट का एम, तो इजीली बोल सकते हैं कि इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना आई नॉट, वो क्या आएगा कुछ कॉन्स्टेंट के इंटू एम स्क्वायर टाइप का आएगा। क्लियर, साथ में कुछ कॉन्स्टेंट एम स्क्वायर टाइप का आएगा, यूनिट डायमेंशन हम इजीली बोल सकते हैं, मतलब पूरी शीट का कितना है इतना है। तो केवल इतनी शीट का अगर मैं बात करूं इसी सेंटर के अबाउट, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू के एम। एम कितना हो गया इसका, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास क्या है मिड पॉइंट, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखो m, ये जो पूरा का पूरा m जो है वो फोर इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं बीच वाले का मास कितना हो जाएगा m बाई फोर। साथ में देखो ये क्या है हमारे पास टोटल a, तो ये a बाई टू, ये भी a बाई टू, सारे जो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड a बाई टू हो जाएगी, मतलब बड़े ट्राइंगल का अगर i नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस बीच वाले ट्राइंगल का कितना हो जाएगा k, मास हो जाएगा m बाई फोर और साइड हो जाएगी a बाई टू का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा के एम ए स्क्वायर बाई सिक्सटीन। क्लियर, ठीक है भाई, अब देखना अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई पहले तो उसका आई नॉट था, अब इसको हटा दिया, तो हटाने के बाद में बताओ बचे हुए पार्ट का कितना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन यहां पर लगा सकते हैं इजीली कि भाई आप क्या मान लो, एक्चुअल में तो कहानी ये बन जाएगी कि ये वाला भाग हट चुका है यहां से, आप क्या मान लो कि पूरी डिस्क है, साथ में ये डिस्क इस पे माइनस मास के साथ में रखी हुई है, माइनस मास के साथ में रखी हुई है, तो अभी ये प्लस का एम बाई फोर है, इसको माइनस एम बाई फोर लगा दो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो कि भाई टोटल का मास, टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था इस पॉइंट के अबाउट, वो था हमारे पास कितना आई नॉट। इसमें से अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट इस कटे हुए पार्ट का सबट्रैक्ट कर दूं तो बच्चे कुछ का निकल जाएगा, तो आई नॉट माइनस आई सी ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट का, तो वो कितना हो गया के एम ए स्क्वायर माइनस के एम ए स्क्वायर बाई सिक्सटीन, तो यह आ गया फिफ्टीन बाई सिक्सटीन के एम ए स्क्वायर, और ये वैल्यू थी आई नॉट की, मतलब इनिशियल का 15 by 16 times हो जाएगा इस remaining part का moment of inertia। Clear? तो correct answer आएगा इसका हमारे पास, देखो option number first इसका correct answer हो जाएगा। Next question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 9 देखें। बोला a string is bound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40 newton and the cylinder is rolling without slipping, pure roll कर रहा है ये fixed surface पर। तो पूछा है कि भाई angular acceleration of the cylinder पूछा है, और cylinder कैसा दे रखा है हमको, hollow cylinder, मतलब moment of inertia होगा इसका हमारे पास mr square। अब देखो ये hollow cylinder, यहाँ force लगाया मान लो F, ठीक है,
ठीक है, अपोज करने के लिए इस पॉइंट पे पीछे की तरफ आ गया फ्रिक्शन एफ, जिसकी वजह से इसको मान लो अल्फा मिला है आगे, ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन है आगे ए, अल्फा पूछा है हमसे, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो इस पॉइंट के लिए हम एक तो साफ साफ कह सकते हैं ए बराबर होगा अल्फा आर, क्लियर। अब साथ में देखो इक्वेशन लगाते हैं, तो अगर हम ट्रांसलेटरी की इक्वेशन लगाए तो क्या बोलेंगे, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए, राइट। और रोटेशन की अगर लगाए तो देखो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्या आएगा एफ आर अंदर की तरफ, और कैपिटल एफ का भी टॉर्क क्या आएगा सेंटर के अबाउट एफ आर अंदर की तरफ, तो दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम बोल देंगे एफ आर प्लस एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, तो एम आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू ए वाई आर रख दो, तो यहां से क्या आ गया एफ प्लस एफ इक्वल टू आ गया एम ए। अब हमें अल्फा निकालना है तो ए निकाल लूं, ए वाई आर ही करना है बस, तो दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन वन और टू को, ऐड करते हैं तो टू एफ इक्वल टू आ गया टू एम ए, तो ए की वैल्यू आ गई एफ वाई एम, तो अल्फा की वैल्यू आ गई एफ वाई एम आर, ये आ गया अल्फा। वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू दे रखी है 40 न्यूटन, मास हमें दे रखा है 5 केजी, और रेडियस हमें दे रखी है इसकी 0.5 मीटर मतलब हाफ, तो ये कितना हो गया ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ये हो गया 80/5 मतलब 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्या दे रखा हमें, अ सर्कुलर डिस्क डी वन ऑफ मास एम एंड रेडियस आर हैज टू आइडेंटिकल डिस्क, बिल्कुल ऐसी की ऐसी हमारे पास डिस्क है डी टू और डी थ्री, ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर अटैच रिजिडली एट इट्स अपोजिट एंड, इसके डायमीटर के अपोजिट एंड पे इसको रखा गया है, द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ओ और एस, अबाउट आई की वैल्यू बात करनी है हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डी वन एस इन द फिगर। समझने जरा क्या कहानी चल रही है कि भाई ये डिस्क है, ये तो इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सेस हो गया, क्लियर। अब इनको हमने क्या किया, इनको हमने इसके डायमीटर के एंड्स पे रखा है, वो भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों, अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो देखो इसके अबाउट इसका तो साफ साफ हमें दिख रहा है कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया इसके लिए सेंटर से पास होने वाला हो गया। इसकी अगर बात करूं तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर, प्लस ये डिस्टेंस भी आर, तो इस डिस्क का ओ ओ डैश के अबाउट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस डिस्क का ये हो जाएगा आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर, यह आ गया एक साइड वाली डिस्क का, तो सिमेट्री से दूसरी का भी इतना हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया देखो हो गया हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो गया हमारे पास 5/4 इंटू टू, तो 5/2 तो 6/2 मतलब 3 एम आर स्क्वायर जो है हमारे पास 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी एंड 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड द पोजिशन, क्लियर। काफी इजी क्वेश्चन, सिंपल आर क्रॉस एफ पे पूछ लिया कि क्या बोला है, ओरिजिन से 5 मीटर पे यहां पर एक हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है जिसका मास है 1 केजी, इस पे फोर्स लगा मान लो कुछ एफ इक्वल टू 1 न्यूटन का, क्लियर, और आर और एफ के बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा है, और टॉर्क दे रखा थीटा पूछा, तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ मतलब आर एफ साइन थीटा होता है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 2.5, आर की वैल्यू दे रखी है 5, एफ की वैल्यू दे रखी है 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से साफ साफ दिख सकती है हमें कितनी आ गई 0.5 मतलब 1/2, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या पाई बाई 6 रही होगी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इनर एंड आउटर रेडियस आर 10 एंड 20, कि भाई ये एक हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस जो है मैं नाम देता हूं उसको है R1, जिसकी वैल्यू उसने 10 दे रखी है, और आउटर रेडियस जो है उसकी वैल्यू में नाम देता हूं R2। हॉलो सिलेंडर केवल यहां यहां मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है साथ में उसने 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकला है ना वो आई आया, अब सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास एक थिन सिलेंडर का आया है जिसका मास भी सेम है उसकी रेडियस बोली है, तो थिन सिलेंडर हो गया हमारे पास ये, इसका मास क्या है एम, रेडियस में मान लेता हूं आर,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, थिन सिलेंडर है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, तो बोला आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखना जरा क्वेश्चन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो देखो मैं सिग्मा से देख लेता हूं कि ये जो एम मास जो है ना इसका, इस पूरे के पूरे इस सर्कुलर एरिया पर, इस वाले एरिया पर फैला हुआ है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा इसके लिए पर यूनिट एरिया पे मास, वो हो जाएगा एम अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये तो आ गया सिग्मा। अब देखो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में ले लेता हूं फिर से। एक बार मान लेता हूं कि पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर है, कितने रेडियस का, आर टू का, उसमें से मैं अंदर के आर वन रेडियस का जो सॉलिड सिलेंडर बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो पूरे आर टू रेडियस के सोलर सिलेंडर में से आर वन रेडियस का सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचे हुए पार्ट का आ जाएगा। तो हम बोल देंगे इसका क्या आ जाएगा, आई, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो बाहर वाले का ले लो, तो बाहर वाले का मास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर टू स्क्वायर। क्लियर, तो मास हो गया एम आर टू स्क्वायर बाई टू, ये तो आ गया बाहर वाले का। अब अंदर वाले का इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, एम आर वन स्क्वायर बाई टू, ये आ गया बाहर वाले का। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई यहां से सिग्मा पाई बाई टू आ गया कॉमन, आर टू की पावर फोर माइनस आर वन की पावर फोर, और ये जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से इजीली हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास एम अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, साथ में ये आर टू की पावर फोर माइनस आर वन की पावर फोर है, तो इसको लिखा जा सकता है आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर साथ में आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, बेसिकली मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देखो ये तो गया, साथ में एक मिनट, सिग्मा की वैल्यू रखिए ना, ये तो इंटू पाई बाई टू भी है, इंटू पाई बाई टू भी था, सिग्मा की वैल्यू तो ये हो गई इंटू पाई बाई टू, साथ में इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, तो देखो इससे तो ये गया पाई से पाई गया, तो ये वैल्यू आ गई एम बाई टू आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहां से तुम साफ साफ देख सकते हो आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगी इस होलो सिलेंडर की हमारे पास रेडियस। अब वैल्यू रख देते, देखो जरा वैल्यू रख दो, इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें दे रखी है 10 और 20, तो आर की वैल्यू क्या रही होगी, ये रही होगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 400 बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1000 प्लस 400 बाई 2, तो ये हो गया 500 बाई 2 मतलब अंडर रूट 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास 15.81 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्स हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 13, बोला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट इज आई एक्स, विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट आई एक्स वर्सेज एक्स करेक्टली। कहानी क्या चल रही है हमारे पास, कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल में एक्स डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, इसके अबाउट आई एक्स है, तो आई एक्स का ग्राफ पूछा है इसके साथ, तो हम साफ साफ कह सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी ओ एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो तुम साफ साफ देख सकते हो आई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ आ रहा, तो एक तो ये बनेगा पैराबोला, क्लियर, वो भी किधर ओपन होने वाला, आई की तरफ ओपन होने वाला, इनके अलावा एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखें जरा, बोला अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज रिलीज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहां से 5 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को रिलीज किया है अलोंग द कर्व फ्रॉम द पॉइंट ए एस इन द फिगर, द पॉइंट एच एट हाइट एच फ्रॉम पॉइंट बी, ये दे रखी हाइट 10 मीटर, द पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास ये, व्हेन द पार्टिकल रीचेज पॉइंट बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो बेसिकली ओ के अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम निकालना है।
अब एक पार्टिकल है, मैं मान लेता हूं स्पीड v है, ये डिस्टेंस होगा यहां से 20, तो ओके अबाउट इसका मोमेंटम आ जाएगा एंगुलर एम वी आर, आर की वैल्यू 20 मीटर, एम पता है, बस वी कैलकुलेट करना है। तो वी कैलकुलेट करने के लिए यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्लियर। तो यहां देखो, यहां अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहां मैं मान लेता हूं रेफरेंस, तो भाई यहां पर एनर्जी अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये हो गया 25, एच की वैल्यू 10, तो ये हो गया 200, ये बन गया 225, 225 का रूट हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल जब बी पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी यहां, तो अब ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम 20 ग्राम, मतलब 20 × 10⁻³, वी की वैल्यू 15 × 20, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो ये आ गई हमारे पास 6000 × 10⁻³, या बोल दो 6 kg/m², तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन है ना वो कई बार पूछा गया, फ्रीक्वेंसी में पूछा गया कि भाई एक ही अटेम्प्ट, जैसे मान लो हमारे पास जो सितंबर के जो पेपर हुए थे 2020 में, तो उसमें क्या है कि भाई वहां पर इसी तरह के सवाल, मान लो कि मॉर्निंग वाला जो हमारे पास जो सेशन था, मॉर्निंग में जो पेपर आया है उसमें एक सवाल आ गया इस तरह का, तो अगले दिन ही इवनिंग वाले में आ गया। मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिएबल हमें क्या दे दिया, मास डेंसिटी दे दी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, और वो भी एम की फॉर्म में, मास गिवन नहीं किया है फिर भी एम की फॉर्म में, मतलब एम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना जरा, ऐसे हमको यहां पर कम से कम 3-4 सवाल मिलने वाले हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। तो देखो क्या बोला है, अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, अच्छा आपको तो मास दे ही दिया फिर तो लफड़ा ही नहीं है, बट इस तरह की फ्रीक्वेंसी मिले, बोला मास एम एंड रेडियस आर हैज इट्स डेंसिटी वेरिंग एज रो आर इक्वल टू रो नॉट आर विद रो नॉट एज कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, पासिंग थ्रू इट्स एज बात की गई है। तो देखो ये हमारे पास डिस्क, ठीक है, और यहां से जो डेंसिटी है ना वो आर के साथ वेरी कर रही है, तो मैं क्या करूं, मैं पहले इसके अबाउट कैलकुलेट कर लेता हूं, तो यहां से आर पर जाके डीआर का एलिमेंट ले लो, क्लियर। तो इसका, इस रिंग का, इस एक्सिस के अबाउट डीआई जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा डीएम, रेडियस अगर आर है तो डीएम आर स्क्वायर, तो डीआई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएम आ जाएगा सिग्मा या डेंसिटी हो गई रो नॉट आर, साथ में एरिया 2πrdr, ये हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करते हैं इसका, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई हमारे पास रो नॉट 2πr⁴dr 0 से r, तो ये वैल्यू आ जाएगी रो नॉट 2π इंटीग्रेशन आ जाएगा r⁵/5। अब देखो आंसर जो है ना हमारे पास डीआई की वैल्यू, आई की जो वैल्यू आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आई है वो इतनी आई है, बट यहां पर मास नहीं है, तो हम क्या करें, हमें जो मास जो है ना वो इसकी फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां, जैसा कि मैं बोल रहा था। देखो मास कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, क्योंकि आंसर हमें मास की फॉर्म में देना है। तो देखो मास अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम अपने आप मास दे देगा, तो देखो डीएम लिखते हैं, तो ये आ गया रो नॉट आर 2πrdr, ये आ गया डीएम। इंटीग्रेट करते हैं इसका, तो रो नॉट 2π 0 से r तक इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा r⁴/3। ये है हमारे पास इस डिस्क का मास, क्लियर। अब देखो यहां पर इसको रिप्लेस करते हैं इससे, तो देखो रो नॉट पाई आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रो नॉट 2π आर क्यूब की जगह लिख सकता हूं मैं 3m, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास रो नॉट पाई आर क्यूब की जगह लिख सकते हैं 3m r² / 5। ये आया है हमारे पास मास की टर्म्स में सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो सेंटर से नहीं पूछा, वो उसने पूछा किसी एज से, तो अब तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है बस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम बोल सकते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आई सी ओ एम प्लस एम डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8/5 mr². बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मास जो है हमें डेंसिटी की फॉर्म में अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और आई जो है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दोनों को मास की फॉर्म में फाइनली कन्वर्जन करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए डीएम का इंटीग्रेशन किया है, आई के लिए हमने भाई dmr² से इंटीग्रेशन किया है। क्लियर है क्या? अब आंसर जो पूछा है इसने बोला है कि mr² के साथ में या कौन सा फैक्टर होगा, तो 8/5 हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, यहां क्या बोला है, बोला है अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियस, रेडियस सेम है, अप्रोच ऑन इंक्लाइन प्लेन विद द सेम लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, स्पीड भी सेम हो गई उनकी, बोथ रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है भाई, द टू क्लाइंब अप हाइट H स्फीयर एंड S सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन, और इन दोनों का क्या पूछा, रेशियो पूछा है। बेसिकली यहां से स्फीयर भी गया है और हमारे पास सॉलिड सिलेंडर भी गया है, उनके द्वारा पूछा है मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताओ। तो देखो कि भाई मैं मान लेता हूं एक यहां पर एक बॉडी है जिसकी लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया है हमारे पास mk2। क्लियर? mk2। अब देखो वो जा रही है v रफ्तार से, जब वो एक्सट्रीम पोजिशन पर पूछेगी h हाइट पर, तो यहां v क्या हो जाएगा, जीरो। अब v जीरो तो v इक्वल टू ओमेगा r से, ओमेगा भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब यहां इसके पास ना तो रोटेशनल एनर्जी होगी ना, क्लियर, ना तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही रोटेशनरी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ आई, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या इसको लिख दो ओमेगा की जगह बी वाई आर, तो बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आगे रोटेशनल एनर्जी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये कन्वर्ट हुई है किसमें, एम जी एच में। तो यहां से देखो एम तो गया, एच की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के स्क्वायर अपॉन एच की वैल्यू हो जाएगी, यहां से देखो ये बन गया के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टू प्लस वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी एच। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू जी वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी के लिए जो हाइट जो चढ़ी गई ना, वो बेसिकली ये रही होगी। अब हमें करना है क्या है, स्फीयर और सिलेंडर के लिए रेशो कैलकुलेट करना है बस। तो एक बार स्फीयर की वैल्यू रख दो के स्क्वायर की, के यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर, और साथ में एक बार सिलेंडर के लिए रख दो। तो देखो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, एस पी एच अपॉन एस सिलेंडर, ये रेशो निकालना है। तो बी तो सेम दे रखा है, तो वी स्क्वायर अपन टू जी तो गया, तो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, वन प्लस के स्क्वायर मतलब 2/5, क्लियर, 2/5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बन गया सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करें तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू से आर स्क्वायर बाई टू, तो के स्क्वायर की वैल्यू तो आर स्क्वायर बाई टू वाई आर स्क्वायर बाई टू, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5 अपॉन 3/2, तो आ गया 14/15, मतलब फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, बोला अ रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.3 मीटर, ये लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर की, विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द एज ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर, ये हाइट दे रखी है 5 मीटर, When release it slips off the table in very short time, यहां से क्या है, स्लिप होने में इसको मात्र 0.01 सेकेंड लगा है, the remaining essential horizontal, the angular angle by which it would rotate when it hits the ground, कि basically हुआ क्या है, यहां से ये slip हो गया और ये घूमते हुए नीचे गिरा है, तो बोला जब ये ground को hit करेगा तो उससे पहले कितना angle घूम चुका होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो देखो, तो जब ये slip हो रहा है उस time पे बात करता हूं, जब ये यहां से rotate हुआ है, तो देखो इस point के about इसका rotation देखने को मिलेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ, ये लेंथ l/2 हो गई, तो हम बोल सकते हैं mg l/2 टॉर्क जो है mg का वो हो जाएगा i अल्फा के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से 3g/2l। क्लियर? अब देखो इसको यहां से स्लिप होने में इतना टाइम लगा, तो इतने टाइम में ये कुछ एंगल घुमा होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा t स्क्वायर,
साथ में इतने टाइम में इसने कुछ ओमेगा भी अचीव किया होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी। अब रखते हैं वैल्यू, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहां से जी की वैल्यू 30 ले ले, 10 ले लेते काम में, 30/2, एल की वैल्यू हमें दी है 0.3 मीटर, तो ये आ गया हमारे पास 100/2 50, अल्फा की वैल्यू तो आ गई 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। ओमेगा की बात करें तो ये हो गया 50 × 10 दे रखा है 0.01, मतलब 0.5 या बोल दो हाफ रेडियन पर सेकंड। तो जितने टाइम में ये इस पॉइंट से हटा है और फ्री फॉल होने लगा है, उतने टाइम तक जो है हमारे पास हाफ रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर चुका है। साथ में अगर थीटा की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा, हाफ अल्फा है हमारे पास 50, टी जो है 10^-2 मतलब 10^-4 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो थीटा बहुत छोटा है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं जितने टाइम में यहां से फिसल चुका है ना, उतने टाइम में थीटा लगभग ही घुमा ही नहीं। अब जो थीटा घूमेगा ना वो इसके बाद घूमेगा कि भाई यहां से ये निकल चुका है, अब जैसे ये यहां से हटेगा उस टाइम इसके पास ओमेगा है कितना, हाफ रेडियन पर सेकेंड, और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये फ्री बॉडी है जो कि ग्रेविटी के अंदर नीचे मूव कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास का कि अबाउट एम जी का टॉर्क कितना हो गया, जीरो। टॉर्क जीरो है, ओमेगा है इसके पास, मतलब ये कांस्टेंट ओमेगा से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो कांस्टेंट ओमेगा से अगर ये मूव कर रहा है तो ग्राउंड तक पहुंचने तक ये मान लो एंगल थीटा घूम गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, जितने टाइम में नीचे ग्राउंड पे आया, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अब ग्राउंड पे आने का टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g, क्योंकि फ्री फॉल हुआ है, तो हाफ हो गया ओमेगा, √2h की वैल्यू हमें दे रखी है, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर/g। तो देखो ये गया हाफ रेडियन आ गया, मतलब ये ग्राउंड को हिट करने से पहले 0.5 रेडियन जो है वो घूम चुका है, फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखें जरा क्या बोला है। अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। When a torque is applied on it, its kinetic energy as a function of theta varies. किस function से vary कर रही है, कि kinetic energy जो है ना इसकी, rotational kinetic energy जो है वो half I omega square, ये vary कर रही है k theta square से. If its moment of inertia is I, then the angular acceleration of the disk, angular acceleration की बात की गई है. तो देखो omega और theta में relation दे रखा है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि omega d omega by d theta से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 2 ओमेगा d ओमेगा / d थीटा इक्वल टू के थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, इससे ये गया। तो यहां से देखो ओमेगा डी ओमेगा वाई डी थीटा की वैल्यू आ गई 2k θ/i, और यही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अ रिंग ऑफ रेडियस आर, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2 एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/4। इफ इन ईच केस द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज सेम द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो भी हमने किया था, कि सॉलिड स्फीयर और सिलेंडर के हाइट का रेशियो पूछा था ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखना कि मैं मान लो तो यहां से कोई जनरल बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है हमारे पास एम आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। यहां जो उसके साइड में कोफिशियंट है ना उसको मैंने के स्क्वायर नाम दिया है। जैसे अगर सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू 2/5, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ठीक है भाई। ये जा रहा है वी से, अब देखो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वी और ओमेगा दोनों जीरो हो जाएंगे, तो जो भी इसकी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो लीनियर तो हो गई हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस रोटेटरी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा v/r, तो v² / r² ये कन्वर्ट होगा इसका एम जी एच में। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फंक्शन बन गया हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² इक्वल टू एम जी एच। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव की गई है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास v² 1 + k² / 2g। अब v सेम बोला गया है,
तो साफ साफ कह सकते हैं h की जो वैल्यू है ना इसकी 1 प्लस k स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और k क्या है यहां पर, k स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर हमारे पास m स्क्वायर mr स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट बनेगा। क्लियर, तो देखते हैं जरा। अब ये देखो k की वैल्यू उसको रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेडियस जो है हमारे पास मैंने वो r माननी थी, और यहां देखो आंसर में कहीं भी r जैसा कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, कि h की जो वैल्यू वो रेडियस पे कहीं भी डिपेंड नहीं कर रही, m सबका सेम बताया है। क्लियर, क्वेश्चन बोला ही इसने, देखो जरा एक बार फिर से पढ़ लो, द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप, ठीक है, द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अरिंग, ठीक ठीक ठीक। अच्छा m तो कैंसिल हो गया ना, m कैंसिल हो गया है, h की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, केवल h की वैल्यू डिपेंड कर रही है v पर और k पर, और k क्या है यहां पर, हमने क्या लिखा, एम आर स्क्वायर साथ में के स्क्वायर, ये जो k है ना केवल कोफिशियंट है, वो रेडियस से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो h की वैल्यू केवल उस कोफिशियंट पर डिपेंड करेगी। तो देखो अगर हम बात करें पहले किसकी, त्रिज्या r की एक बल है, तो r की बलय के लिए k स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर के साथ में 1 है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1। क्लियर, जब हम बात करें त्रिज्या r / 2 का ठोस बेलन, तो ठोस बेलन के लिए हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर / 2, तो हाफ फैक्टर आया है, तो 1 प्लस हाफ। क्लियर, और तीसरी की अगर बात करें तो भाई त्रिज्या r / 4 का एक ठोस गोला, तो ठोस गोला के लिए हमारे पास कोफिशिएंट क्या आता है, 2/5, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2/5। सॉल्व कर लो इसको, तो ये चीज आ गई हमारे पास। ये चीज आ गई हमारे पास 2:3/2:7/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20:15:4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। बोला अ थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रॉड, ये हमारे पास एम मास की लेंथ की रॉड है जो कि क्या कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। क्लियर, ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा रॉड से। अब क्या बोला है, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू दिस सेंटर, ठीक है भाई, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, टू बीट्स ऑफ मास एम एंड नेग्लिजिबल साइज आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड इनिशियली, कि इनिशियली जो है यहां पर पॉइंट मास रखे हुए एम एम मास के, अभी ये रोटेशन एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, केवल रॉड का रहेगा। द वीड्स आर फ्री टू स्लाइड अलोंग द रॉड, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम व्हेन द वीड्स रीचेस द अपोजिट एंड्स ऑफ द रॉड, अब देखो जब इस पे रखे हुए तो जैसे ये घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर आएंगे, तो फाइनली क्या अरेंजमेंट हो गया है कि रॉड के एंड्स पर ये क्या पहुंच गए, हमारे पास बीड्स पहुंच गए, तो बोला है कि अब बताओ ओमेगा डैश कितना होगा। क्लियर, तो हम साफ साफ कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्व हम इजीली करा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कोई टॉर्क आया नहीं है, एक्सटर्नल कोई फोर्स आया नहीं है, एक्सटर्नल कोई टॉर्क आया नहीं है, तो इजीली इसका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियली मोमेंटम कितना है, इनिशियली स्मॉल एम का तो जीरो हो गया, केवल रॉड का है तो एम एल स्क्वायर / 12, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आई ओमेगा नॉट, ये तो आ गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल की बात करें तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो रॉड का तो अभी भी कितना है एम एल स्क्वायर / 12, अब देखो ये लेंथ है एल / 2, तो इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा एम एल / 2 का होल स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर / 4, इसका भी इतना हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देता हूं मैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई, देखो हमारे पास एल स्क्वायर तो सब में से गया, ये बन गया एम ओमेगा नॉट / 12 प्लस इक्वल टू यहां से ये बन जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 14/24, एक मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी देखो हमारे पास 2m प्लस 12m स्मॉल में / 24 ओमेगा डैश। क्लियर, इससे ये गया 2 टाइम्स, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 2m ओमेगा नॉट अपॉन 2m प्लस 6m, 2 से ये 2 गया, तो आंसर आ गया m ओमेगा नॉट m प्लस 6m, मतलब सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखें जरा, क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस 1.5 केजी मीटर स्क्वायर, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1200 जूल, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज
20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन, वो टाइम पूछा है जितने में क्या हो जाए हमारे पास इतना अल्फा लगा के इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? और ओमेगा की जो वैल्यू है वो इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे, बॉडी रेस्ट पे, और अल्फा एक्सेलरेशन देने पर टी टाइम में ओमेगा कितना हो जाएगा, अल्फा टी। तो ये आ गई हमारे पास के, यहां से इजीली अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के ये हमारे पास 1200 जूल, हाफ आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 मतलब 3/2, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 20, टी का होल स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो गया, इससे गया 400 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 1600 इक्वल टू 20 टी का होल स्क्वायर। तो ये इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इक्वल टू 20 टी मतलब 2 सेकंड में ये सारी कहानी हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखें जरा क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है उसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो बोला टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन के अबाउट क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है। बेसिकली क्या करना है, पोजीशन दे रखे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके आप फोर्स फाइंड कर सकते हो और आर क्रॉस एफ करना है। तो टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं पोजीशन लिखूं तो कितनी हो जाएगी, तो टी इक्वल टू 0 करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन हो गई एक्स नॉट प्लस ए आई कैप। क्लियर? वाई में अगर देखें तो साइन टी इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो वाई में कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास वाई नॉट जे कैप। क्लियर? ये तो पोजीशन आ गई, अब मैं फोर्स भी निकाल लेता हूं। तो डिफरेंशिएशन करो तो वी एक्स आ गया हमारे पास ए ओमेगा 1 माइनस का साइन ओमेगा 1 टी, वी वाई आ गया हमारे पास वी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी। एक बार और डिफरेंशिएशन करते तो ए एक्स आ गया हमारे पास, या बेसिकली फोर्स लिख दूं मैं डायरेक्ट मास से मल्टीपल करके, तो आ गया माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1 टी, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ वाई, ये आ जाएगा माइनस एम बी ओमेगा 2 स्क्वायर साइन ओमेगा 2 टी। अब टी इक्वल टू 0 पे फोर्स लिखना है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखो फोर्स की अगर बात करूं तो यहां पर अगर देखो x में फोर्स टी इक्वल टू 0 पे ये टर्म कितनी हो गई 1, तो फोर्स आ गया माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। टी इक्वल टू 0 पे ये 0 आ गई मतलब एफ वाई कंपोनेंट 0 आ गया, तो r पता है f पता है, टी इक्वल टू 0 पे r क्रॉस f करना है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, आर क्रॉस एफ कर लो बस। तो देखो आई को आई से करेंगे तो 0, जे को आई से करेंगे तो जे क्रॉस आई होता है माइनस के, बट यहां माइनस ऑलरेडी है तो ये के कैप में आएगा आंसर पूरा। कितना आ जाएगा एम ए ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई नॉट के कैप, तो एम ए वाई नॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि इसको ओमेगा 1 से किया ना, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखें जरा। बोला है अ थिन डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर हैज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिग्मा दे रखा है केआर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्क डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कि डिस्क से डिस्क का जो स्टैंडर्ड एक्सिस होता है उससे पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है मास की फॉर्म में। तो जैसा कि मैं बोल रहा था वैसी कहानी हो गई, देखो फिर से कि भाई सिग्मा दे रखा है वेरिएबल और आंसर पूछा है मास की फॉर्म में, तो आपको एम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेशन करके, और क्या करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं मास कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई ये डिस्क आर पे जाके डीआर का एलिमेंट ले लिया, तो डीएम क्या लिखा जाएगा, डीएम आएगा सिग्मा इंटू 2πrdr, राइट, क्योंकि डीआर थिकनेस लेंथ 2πr और थिकनेस डीआर, तो डीएम इतना आ गया, तो मास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम मतलब सिग्मा 2πrdr का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। क्लियर? तो देखो सिग्मा की वैल्यू रखो तो वो है के आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर 2πrdr 0 से r, तो मास आ जाएगा यहां से के 2π, ये बन गया r क्यूब, r क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 4/4, तो ये वैल्यू आ गई π/2 के आर की पावर 4, ये आ गया हमारे पास इस डिस्क का मास। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करें, डीएम आर स्क्वायर करना है, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीआई हो जाएगा हमारे पास डीएम, साथ में रिंग है तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर, तो रखो वैल्यू डीएम ये रहा, इसको आर स्क्वायर से और मल्टीपल करना है तो ये बन जाएगा 2π के आर क्यूब तो है ही
आर स्क्वायर से मल्टीपल कर दें तो आर की पावर 5dr, जीरो से कैपिटल आर, तो आई की वैल्यू आ गई इसके लिए 2πk आर की पावर 6/6, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है तो देखो यहां से पाई के आर की पावर 4 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, तो क्या करें तो देखो आई इक्वल टू पाई के आर की पावर 4 की वैल्यू यहां रखते हैं तो देखो 2 पड़ा हुआ है भाई 6 पड़ा हुआ है, पाई के आर की पावर 4 अंदर यहां स्क्वायर बच जाएगा, पाई के आर की पावर 4 की जगह लिख सकते हैं हम 2m, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 2/3 mr². तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका रहा होगा सेकंड ऑप्शन से 2/3 mr². ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोला टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंटम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2 आर रोटेटिंग विद रेस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी ω1 ω1/2 अबाउट देयर कॉमन एक्सिस, कि ये भाई एक एक्सिस है ये डिस्क I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/2, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी है ω1, इसके लिए है ω1/2, क्लियर। अब क्या किया इनको टच में ले आए, तो टच में लेने आने के बाद में एनर्जी हो गई इसकी ई फाइनल, इनिशियल एनर्जी थी ई इनिशियल, तो ई फाइनल माइनस इनिशियल पूछा। अब बेसिकली यहां पर देखो वैरायटी बनती है कि इनिशियली दोनों के ओमेगा सेम डायरेक्शन में थे या अपोजिट में थे, क्लियर है क्या। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है या तो सेम डायरेक्शन में रहे होंगे या अपोजिट में रहे होंगे, तो आपको उनमें से कुछ भी लैंग्वेज में नहीं बता रखा है तो आंसर तो किसी एक ही कंडीशन के लिए दे रखा होगा, तो मैं सेम डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि जनरली कुछ भी जब नहीं दिया जाता तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर जो सेम डायरेक्शन वाले कंसीडर किए जाते हैं, तो पहले मैं सेम डायरेक्शन का चेक कर लेता हूं, उनसे आंसर अगर मैच करेगा तो वही आंसर हो जाएगा मेरा, वरना मैच नहीं करा तो अपोजिट वाला करना पड़ेगा ऐसी केस में। तो देखो या अगर मैं देखूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका एंगुलर मोमेंटम, वो है हमारे पास I1 ω1 प्लस ये हो गया I1 ω1/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5/4 I1 ω1, क्लियर। अब जैसे इनको टच में रखेंगे, तो टच में रखने के बाद देखो जब इनको हम टच में रखेंगे तो दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया इस पे, तो इसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल अगर मैं इसकी एनर्जी लिखूं तो ई इनिशियल क्या लिखी जाएगी, तो ई इनिशियल हो जाएगी इसकी हाफ I1 ω1² प्लस हाफ I1/2 ω1² / 4, बेसिकली ω1/2 का होल स्क्वायर किया है मैंने, तो ई इनिशियल कितना हो गया, ये हो गया 1/2 प्लस 1/16 I1 ω1², तो इनिशियल की वैल्यू तो कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 18/32 मतलब 9/16 I1 ω1², ये तो इनिशियल एनर्जी आ गई। जब इनको हम कांटेक्ट में ला देंगे और जब ये कॉमन वेलोसिटी से घूमने लगेंगी तो मैं कह सकता हूं दोनों के दोनों मिलके एक ही सिस्टम बन गई, तो टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 + I1/2, तो उस टाइम जो एनर्जी लिखी जाएगी वो मैं क्या लिख सकता हूं, ई फाइनल हो जाएगा इसका L² / 2I, क्लियर। जैसे अपन लिख सकते ना K = P²/2m, ऐसे रोटेशन में भी लगा सकते हैं, तो L² / 2I, L कितना है 5/4 I1 ω1, ये था L / 2। अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 3I1/2, सॉल्व कर लो तो ई फाइनल की वैल्यू आ गई, देखो इससे तो ये गया, ये आ गया अपने पास 25/16, ये होगा 48 I1 ω1² / I1, इससे ये गया तो ये आंसर आ गया 25/48 I1 ω1², ये आ गया फाइनल। अब हमसे जो पूछा फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस कर दो बस, तो आपको 25/48 में से इसको सेपरेट करना है, तो 25/48 माइनस 9/16, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 25 माइनस 27, तो आ गया -2/48 या बोल दो -1/24 I1 ω1² तो करेक्ट आंसर रहा होगा 4, क्लियर। तो ये सेम डायरेक्शन से मैच कर गया तो हम सीधा हम फोर्थ को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी अब चाहो तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भी मान के चेक कर सकते हो, वो यहाँ पर डेफिनेटली मैच नहीं करेगा अगर क्वेश्चन उसने सही बनाया है तो, ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा कि देखो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया ना तो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, बट अगर नहीं गिवन हो तो उस टाइम पे ये करना है, पहले आप सेम डायरेक्शन के लिए चेक करो मैच कर रहा है सीधा टिक करके आगे बढ़ो, अदरवाइज मैच नहीं कर रहा तो फिर अपोजिट के लिए चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला है इसमें? अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट हैज अ मास 7m/8 इज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। द सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। लेट i1 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस एंड i2 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यू स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस। i1 दिस i2 पूछा है, समझना जरा क्या कहानी चल रही है, m और 2r। ठीक है, क्या किया हमने कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था m मास रेडियस r का, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का मास तो है 7m/8 और एक का है m/8। 7m/8 की हमने क्या बनाई, 2r रेडियस की डिस्क बनाई जिसका s एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है i1। और इस m/8 से हमने क्या किया, स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस मैं मान लेता हूं स्मॉल r। अब देखो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं पहले तो कैपिटल r की फॉर्म में। तो देखो दोनों की डेंसिटी तो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल से ये बनाया, तो इसकी डेंसिटी क्या लिखी जाएगी, इसकी डेंसिटी लिखी जाएगी m/4/3πr³। क्लियर, इसकी डेंसिटी क्या लिखी जाएगी, इसका m/4/3πr³। तो इससे तो ये गया, m से m गया, तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास r³/8। यहां से बोल सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू है r/2। तो जो हमने स्फीयर जो बनाया ना m/8 मास का, उसकी रेडियस आ गई हमारे पास r/2। अब इसके सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है i2, तो i1 / i2 पूछा है। तो देखो i1 / i2 निकाल, तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i1 की वैल्यू इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगी हमारे पास m r² / 2 / i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i2 हो जाएगा हमारा स्फीयर के लिए तो 2/5 m हो गया इसका m/8 r² 2/5 m² उसका m² / 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये वैल्यू आ गई देखो हमारे पास कितनी, ये आ गई हमारे पास 7/m² तो गया, ये वैल्यू आ गई 8 से 8 गया, ये आ गई हमारे पास 14, ऊपर तो क्या बच गया 14, नीचे क्या बच गया देखो ये बच गया हमारे पास 1/10, तो रेशो आ गया हमारे पास 140 आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन चेक करते हैं जरा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन 140। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 इज गिवन बाय RT इक्वल टू 2TiK-3T²J³। इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हमसे पूछा है। देखो टाइम वेरिंग पोजीशन दे रखी है तो इससे हम इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार पोजीशन और वेलोसिटी आ गई तो इजीली r क्रॉस p से हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो पोजीशन पता ही है तो वेलोसिटी का फंक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i-60j³। क्लियर, तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है m r क्रॉस p, तो m की वैल्यू है 2, r की वैल्यू हमारे पास 2TiK-3T²J³ क्रॉस v 2i-60j³। अब इसने बोला है कि जो हमें एंगुलर मोमेंटम 2 सेकंड पे कन्वर्ट कैलकुलेट करना है तो वैल्यू रख दो 2, तो t की जगह 2 रखो तो हो जाएगा 4i-, ये हो गया हमारे पास 12j³ क्रॉस 2i-12j³। क्लियर, और 2 पड़ा हुआ बाहर, देखो i को i से करेंगे 0, i को जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा -48k³, j को जैसे करेंगे 0, j को i से करेंगे तो ये हो जाएगा -24, j क्रॉस i होता है -k³, तो ये बन गया प्लस का 24, ये हो गया यहां से -48, तो अंदर तो बन गया माइनस का 24, -24 × 2 ये आ जाएगा -48k³, मतलब सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या किया है कि ये मेटल कॉइन ऑफ मास m, अब कॉइन बोला है तो कॉइन होलो तो होता नहीं है, कॉइन एक सॉलिड डिस्क की तरह होता है। क्लियर है, कॉइन ऑफ मास m ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड टू अ थिन स्टिक, ठीक है थिन स्टिक है AB ऑफ नेग्लिजिबल मास, इस AB का कोई मास नहीं है। एज शोन इन द फिगर द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, द कॉन्स्टेंट टॉर्क दैट विल मेक द सिस्टम रोटेट अबाउट AB एट 25 रोटेशन पर सेकंड इन 5 सेकंड। बेसिकली क्या करना है, उसको टॉर्क लगा के रेस्ट से 25 रोटेशन पर सेकंड तक लेके जाना है, तो इस कंडीशन के लिए पूछा गया है कि भाई टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है क्या, तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा i α। क्लियर, अब देखो
आई हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मास में एम मान लेता हूं, रेडियस आर, तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस ये आर है, तो आई की वैल्यू तो आ गई एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर मतलब फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर। क्लियर। एल्फा की बात करें तो देखो एल्फा यूनिफॉर्म रेट से, क्या बोला हमने, द कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क है तो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हुआ, मतलब एल्फा कांस्टेंट होगा, तो एल्फा की वैल्यू लिखी जा सकती है ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ बाई टी, तो यहां से एल्फा आ जाएगा। क्लियर। वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो टॉर्क कैलकुलेट करना है इक्वल टू आई एल्फा, एल्फा की वैल्यू है 2 पाई एफ बाई टी, आई की वैल्यू कितनी है 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ बाई टी। अब रख दो सबकी वैल्यू, इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, तो 5 बाई 4 एम की वैल्यू रखिए 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ऐसा यूनिट में 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 पाई, एफ की जो वैल्यू दे रखी है 25 रोटेशन पर सेकेंड, एफ अपॉन टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है, तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर, तो इतना टॉर्क हमें चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखें जरा, क्या बोला है इसमें, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ऑफ रेडियस ए, ये हमारे पास एक डिस्क है, बेसिकली होलो डिस्क हो गई जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एस सिग्मा नॉट आर, ठीक है, इसकी हमें सरफेस मास डेंसिटी भी दे रखी है, द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करनी है। क्लियर है क्या, सेम तीसरा सवाल है हमारे पास, सेम कॉन्सेप्ट का है, हम भी कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर मोमेंटम इनर्शिया भी कैलकुलेट करेंगे, तो देखें जरा, तो मैं क्या करता हूं, ये डिस्क है हमारे पास, इसके सेंटर से आर पे जाके डी आर सेगमेंट का क्या ले लेते हैं हम, एक रिंग एलिमेंट, तो इसका डीएम क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा सिग्मा, मतलब सिग्मा नॉट बाई आर, साथ में एरिया तो 2 पाई आर डी आर, तो आर से आर गया, डीएम की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर। अब देखो इसका तो सीधा सीधा से इंटीग्रेशन करके हम बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू वो कितनी आ गई, सिग्मा नॉट 2 पाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, और डी आर मिलके क्या बना देगा, डी आर की लिमिट हम लगाएंगे ए से बी तक, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, ये तो आ गया मास। क्लियर। अब इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं, तो डी आई की लिखी जाएगी डी एम, जो कि ये हमारे पास सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर, साथ में आर स्क्वायर, लिमिट पुट करो ए से बी, तो ये आई आ जाएगा इसका, सिग्मा नॉट 2 पाई आर क्यूब बाई 3, ठीक है, आर क्यूब बाई 3 ए से बी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई की वैल्यू, ये आ गई सिग्मा नॉट 2 पाई बाई 3 वी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर। अब इसमें जो हमसे पूछा है, ना तो हमें क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना मास पूछा है, इसने रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो देखो हम आई को क्या लिख सकते हैं, इसको जरा मैं अरेंज कर देता हूं सामने वाले को, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, ये जो के है यही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो कंपेयर करते हैं जरा इसकी, तो एम की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट 2 पाई वी माइनस ए के स्क्वायर, तो देखो सिग्मा नॉट 2 पाई तो गया। क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये क्या बच गया हमारे पास, वी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इक्वल टू वी माइनस ए के स्क्वायर। अब वी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहां पर, तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 3 चल रहा है इक्वल टू वी माइनस ए के स्क्वायर, तो इससे ये गया, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई 3, तो रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3, तो सेकंड इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बोला क्या है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज बीइंग रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड,
If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depicts its most closely? Basically, कहानी क्या हो रही है इसमें? कहानी ये हो रही है कि भाई ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्लियर? इसको हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉन्स्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो टेंशन जो है बेसिकली क्या होगा, यहां पर वेरिएबल होगा, उसको एक्स के साथ वेरी किया है, और एक्स क्या है यहां से रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर एक्स का फंक्शन पूछा है, ठीक है, ग्राफ पूछा है कि टी एक्स एक्स के साथ किस तरह से वेरी करेगा। तो देखो हमें यहां निकालना है एक्स लेंथ पर टेंशन, तो मैं क्या करता हूं इसको ब्रेक कर देता हूं कि देखना ये बच्चा कुछ पार्ट, इसकी लेंथ है एल माइनस एक्स, क्लियर, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा इस डिस्टेंस पर एल माइनस एक्स बाई टू पर, और ये है हमारे पास एक्स, क्लियर। अब देखो यहां जो टेंशन लग रहा है ए टी का फंक्शन है, तो मैं देख सकता हूं कि ये जो पोर्शन है वो कॉन्स्टेंट ओमेगा से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसमें सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा दो, आप बोलोगे टी माइनस सॉरी हाँ आप बोलोगे इस पर टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, कि जो टेंशन है वही तो इसको सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, तो बोल सकते हैं इस पे कि टी इक्वल टू एम, एम हो जाएगा इसके लिए एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अरे तुम साफ साफ देख सकते हो ना, ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया कि ये हमारे पास ये पार्टिकल है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो गई x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, ये पार्टिकल जिसका मास कितना है वो हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कितने से, ओमेगा से, तो ये टेंशन बताओ, ये यही क्वेश्चन हो गया, बस यही करना है हमें। तो देखो t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू आ गया m ओमेगा स्क्वायर r, r हो गया ये कितना x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, अब बस इसे सॉल्व करना है, इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा t का x के साथ वेरिएशन आ जाएगा, तो देखो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास देखो m l माइनस एक्स अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करते थे बन जाएगा 2x प्लस एल माइनस एक्स मतलब l प्लस एक्स बाई टू, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल, ये बन गया l माइनस एक्स एल प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा साथ में l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेंशन जो है हमारे पास इस फंक्शन से वेरी करेगा, तुम साफ साफ देखो तो t प्रोपोर्शनल आया है कुछ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक पैराबोला बनेगा जो कि है हमारे पास माइनस टी की तरफ ओपन होगा, तो माइनस टी की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला तो हमारे पास केवल थर्ड दिखाई दे रहा है, तो थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या? एक मिनट, माइनस टी की तरफ तो ये भी ओपन हो रहा है सेकंड भी, ठीक है, सेकंड भी तो ओपन हो रहा है हमारे पास माइनस माइनस टी की तरफ, तो दोनों ओपन हो रहे हैं, बट थर्ड कैसे आंसर होगा देखो, यहां अगर मैं देखूं तो एक्स इक्वल टू जीरो पे टेंशन मैक्सिमम है, और यहां देखो तो एक्स इक्वल टू जीरो पे टेंशन जीरो है। फंक्शन में देखो x इक्वल टू जीरो पे टेंशन मैक्सिमम आएगा फिर घटता हुआ जाएगा, तो x इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम इस हिसाब से थर्ड होगा भाई, क्लियर, वरना सेकंड भी हो सकता था उस हिसाब से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या बोला था, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट l बाई 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से एल बाई फोर से एक एक्सिस पास हो रहा है, क्लियर है क्या? इस पॉइंट के अबाउट क्या पूछा है, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी है। तो देखो इसके अबाउट मैं आई निकाल लेता हूं, आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, आई सी ओ एम प्लस एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच की जो डी है इसका स्क्वायर, तो एल बाई फोर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई सिक्सटीन, तो ये वैल्यू आ गई, देखो एलसीएम आ गया हमारे पास 48, तो इस हिसाब से हो जाएगा 4 प्लस 3 तो 7 बाई 48 एम एल स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो m के साथ में ये जो टर्म होती है वो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर होती है, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 बाई 48 एल स्क्वायर, तो यहां से साफ साफ बोल सकते रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, रूट 7 बाई 48 एल हो जाएगी, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखें जरा, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेरिएबल मास डेंसिटी दे रखी है हमें, और यहां पर क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, बट यह इस बार मास की टर्म्स में नहीं पूछा है, इसलिए मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बोला मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस
और डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज, ठीक है, ये हमारे पास आर के साथ वेरिएशन दे रखा है, सेम क्वेश्चन आया हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, सेम मतलब जो डिस्क का हमारे पास उसका एक्सिस होता है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ये सेम काम करना है, डिस्क ले ली, आर पे जाकर डी आर का एलिमेंट ले लिया, तो डी आई की वैल्यू लिखोगे डीएम, डीएम कितना हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर, डीएम हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये तो हो गया डीएम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हमें आई दे देगा, तो रखते हैं वैल्यू 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी आर, बाहर पड़ा है आर क्यूब डी आर, लिमिट रखनी है 0 से ए, रेडियस ए दे रखी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से ए, ए आर क्यूब प्लस बी आर की पावर 4 डी आर, करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए, इसका हो जाएगा आर की पावर 4 बाई 4, लिमिट पुट करते तो ए की पावर 4 बाई 4 प्लस बी ए की पावर 5 बाई 5 बन जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा 2 पाई ए की पावर 4 ले लेते हैं कॉमन ब्रैकेट ए बाई 4 प्लस बी ए बाई 5, ये आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन चेक करते हैं तो ऐसा क्या हमारे पास 2 पाई ए की पावर 4 ए बाई 4 प्लस बी ए बाई 5, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जा रहा, बोला है कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम इक्वल टू 4m एंड लेंथ l, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास हमको दे रखा है 4m एंड लेंथ l है, पिवोटेड अबाउट इट्स सेंटर, इसको सेंटर के अबाउट पिवोट किया गया है, अ मास स्मॉल m मूविंग विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एंगल 5/4 टू रॉड्स लॉन्ग एक्सिस कोलाइड विद वन एंड ऑफ द रॉड एंड स्टिक टू इट, कि इसकी इस लॉन्ग एक्सिस से इधर v रफ्तार से 5/4 बोल दो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल आता है उसको हिट करके इस पे चिपक जाता है, तो चिपकने के बाद पूछा गया है कि फाइनल जो इसका सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होगा, तो देखें इसको मैं जरा ऐसे स्प्लिट कर लेता हूं, ये पार्टिकल था यहाँ जो स्टिक किया, अब 45 है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा बी बाई रूट टू, इधर भी आ जाएगा बी बाई रूट टू, अब देखो जब ये हिट करेंगे तो इस पॉइंट पे ऊपर लगेगा इम्पल्स, इधर लगेगा नीचे इम्पल्स, क्लियर, या फोर्स की बात करते एक्शन रिएक्शन से सेम होंगे, साथ में इस पॉइंट के अबाउट दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, मतलब पिवोटेड पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के सिस्टम का फाइनली ओमेगा जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो देखो क्या कहानी होगी जब ये स्टिक होने के बाद में क्या कहानी हो जाएगी कि ये किसी ओमेगा से घूमने लग जाएगा, अब यहां जो पार्टिकल है स्टिक कर गया, अब स्टिक कर गया बोल दूं या मैं बोल दूं कि दोनों एक साथ साथ सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं एक ही बात है, क्लियर, उससे फायदा क्या होगा, अगर मैं इसको स्टिक किया हुआ मानूं कि भाई इसी में चिपक गया तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी वजह इसको मैं ऐसे मानूं कि भाई ये तो अभी भी रॉड है ये इसी के साथ साथ चल रहा है, तो उसमें क्या है रॉड को अलग पार्टिकल को अलग दोनों को अलग अलग मान के फिर से अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिख के कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ती है हमारे पास, क्लियर, तो देखना तो यहां हम लिखते हैं, तो देखो कॉलिजन के बाद में अगर बात करूं तो कॉलिजन के बाद में और कॉलिजन के इनिशियली जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इस पॉइंट की उतनी ही स्पीड होगी जितनी इस पार्टिकल की है, क्यों, क्योंकि स्टिक कर गए मतलब दोनों की इन पॉइंट की वेलोसिटी क्या है सेम, तो इसकी इधर वेलोसिटी क्या है ओमेगा एल बाई टू, तो इसकी भी क्या हो जाएगी इधर ओमेगा एल बाई टू, अब इजीली हम क्या कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल ओमेगा आ जाएगा, तो लगाते हैं जरा, तो देखो इनिशियल हम बोल सकते हैं सिस्टम का एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली रॉड का तो यानी केवल पार्टिकल का, तो पार्टिकल का एम बी आर लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस एल वाई टू, तो आर क्रॉस पी से क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ गया एम वी एल एम बी आर आ गया, अब बाद में देखें तो इसका भी आई ओमेगा इसका भी आर क्रॉस पी से बाहर की तरफ डायरेक्ट एड कर सकते हैं, तो रॉड का तो हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 आई ओमेगा प्लस पार्टिकल का हो जाएगा एम वी आर, इसको सॉल्व करके इजीली ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ गया देखो ये आ गया एम बी एल बाई 2 रूट 2 इक्वल टू ये आ गया एम एल स्क्वायर कॉमन ले लो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7 बाई 12 एम एल स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा भी चल रहा है साथ में, क्लियर,
तो ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है, ये वैल्यू है हमारे पास एम बी एल वाई टू रूट टू के इक्वल। टू से ये गया सिक्स टाइम्स, और सिक्स को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू, इससे ये जाएगा रूट टू टाइम्स, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई एम बी एल इंटू थ्री रूट टू बाई सेवन एम एल स्क्वायर। तो ओमेगा आ गया हमारे पास, देखो एम से एम गया, थ्री रूट टू बाई सेवन बी वाई एल। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिस्टम का फाइनली ओमेगा थ्री रूट टू बाई सेवन बी वाई एल। ऑप्शन मैच करते हैं जरा, तो हमारे पास थ्री रूट टू बाई सेवन, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, बोला पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग हैविंग नेचुरल हैविंग फोर्स कांस्टेंट के एन अनस्ट्रेस्ड लेंथ एल। कि ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ हमें दे रखा है एल, साथ में कांस्टेंट है के, इसके इस पॉइंट से पार्टिकल एम अटैच्ड है। द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट्स इन अ सर्कल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी नहीं है इस पॉइंट के अबाउट, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। क्लियर, अब जैसे ही ओमेगा से घूमेगा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा तो इसमें एक्सपेंशन आएगा, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि भाई इसमें एक्स एक्सपेंशन आ गया, तो ये पार्टिकल जो है ये एल प्लस एक्स के रेडियस में क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो बोला पूछा है इन द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, इस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम इजीली बोल सकते हैं अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा के एक्स, ये बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल को, तो एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस एल प्लस एक्स। तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू आ गई एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखें जरा, क्या बोल रहा, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब हाफ केजी हो गया, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स सेंटर मूविंग एट अ स्पीड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे दी कि भाई यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसके लिए वी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 5×10⁻²⁺ मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो हम इजिली बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है बिना स्लिपिंग के, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, तो के ही हो है, वो हो जाएगी हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू बी वाई आर से बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर लिखी जा सकती है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 से 2 गया 1/2 प्लस 1/5 एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर 1/2 प्लस 1/5, तो ये वैल्यू आ गई 7/10 एम बी स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, तो वैल्यू रख दो 7/10, m की वैल्यू हाफ, v की वैल्यू है 5, तो 25×10⁻⁴ जूल, इतनी जो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी उस स्फीयर की रही होगी। सॉल्व करते जा रहा है इसको, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 25×7 175/20×10⁻⁴ जूल, इसको अलग कर देता हूँ जरा इधर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 175/2×10⁻⁵ जूल, या इसी को हम लिख सकते हैं 8.75×10⁵ जूल, एक मिनट 87.5×10⁵ जूल, तो ये वैल्यू आ गई 8.75×10⁴ जूल, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला थ्री सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास एम एंड डायमीटर डी, सबका डायमीटर डी दे रखा है, मास एम है, आर स्टक टुगेदर सच दैट द लाइंस कनेक्टिंग द सेंटर फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि ये जो सेंटर जो इनके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे, उसकी भी साइड क्या है, डी ही है डायमीटर के इक्वल। द रेश ऑफ आई नोट अपॉन आई ए पूछा है, जहां पर आई नोट क्या है, आई नोट है हमारे पास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट, यहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट है आई नोट, और ए से पास होने वाले के अबाउट है आई ए, तो आई नोट अपॉन आई ए पूछा है। तो देखो पहले मैं जरा आई नोट निकाल लेता हूं, आई नोट, तो देखो ये ट्रायंगल हमारे पास डी साइड का, तो ये
एक वर्टेस से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास डी वाई रूट थ्री। क्लियर? अब देखो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, तो एक स्फीयर का कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 2 बाई 5 एम डी बाई 2 का होल स्क्वायर, एम 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर। क्लियर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट आ जाएगा ए का कितना आ जाएगा, प्लस एम डी स्क्वायर डी बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया एक का, और सिमेट्री से बोल सकते हैं सब सेम है तो इंटू 3 इस पॉइंट के अबाउट सबका इतना आ जाएगा आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट की वैल्यू आ गई जो हमारे पास ये आ गई एम डी स्क्वायर बाई 10 प्लस एम डी स्क्वायर बाई 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई 13 बाई 10 एम डी स्क्वायर। ये तो आ गया आई नॉट किसके अबाउट, ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट। अब हमसे पूछा ए के अबाउट, तो देखो हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सिमेट्री से बोल सकते हैं, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी पर है, तो आई सी यू एम पता है, तो आई एम इजीली निकाल सकते हैं, आई ए की वैल्यू हो जाएगी आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी यू एम प्लस टोटल मास 3m, डी की वैल्यू हमारे पास डी बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आई ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आई नॉट प्लस ये हो गया हमारे पास एम डी स्क्वायर। क्लियर? तो आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, 13 बाई 10 एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 23 बाई 10 एम डी स्क्वायर। अब दोनों का अगर हम रेशो देखें कि आई नॉट अपन आई ए करें, तो आई नॉट अगर अपन आई ए करो तो 13 बाई 23 साफ साफ दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 देखें जरा भाई क्या बोला है। As shown in the figure, above of mass small m is tied by a massless string whose other end portion is wound on a flywheel. ये flywheel disc की shape की, radius r की, और इसका भी mass m दे रखा है। When released from rest, the bob starts falling vertically. इसको जैसे release किया गया, bob नीचे gravity के अंदर fall करने लगा। When it's covered a distance h of h, the angular speed of the wheel. ये basically हुआ क्या है? ये यहाँ से नीचे h आ गया, तो बोला है इसका omega कितना? क्लियर? तो देखो ये यहां से नीचे आ गया, तो मैं मान लेता हूं कि यहां इसकी रफ्तार हो गई हमारे पास v। क्लियर? तो ये अगर v है तो स्ट्रिंग भी नीचे v से आ रही होगी, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की रफ्तार नीचे क्या हो जाएगी, v। डिस्क के जस्ट स्ट्रिंग के पास वाले पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर। और अगर किसी तरह भी स्लिपिंग नहीं है, जैसा ही क्वेश्चन में बोला भी है इसने, radius r when released from the rest, the bob starts falling when it is covered a distance h of angular speed। ठीक है? हाँ, string को इस पे लपेटा गया है, तो string खुलते हुए जाएगी, तो slipping तो वैसे ही नहीं होने वाली। मतलब इस point की, disc के जस्ट अंदर वाले point की जो velocity omega r, वो बाहर string वाले point के v के equal हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मैं कह सकता हूं v equal to omega equal to क्या होगा, b by r होगा। क्लियर? अब पूछा है ओमेगा की वैल्यू कितनी, तो इजीली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि इसके एनर्जी में जो लॉस हुआ, भाई इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो स्मॉल एम की एनर्जी में लॉस, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, mgh। ये कहां कहां खर्च हुआ, एक तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, साथ में डिस्क की रोटेशन एनर्जी में, तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है? स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2, और साथ में पूछा क्या हमसे, ओमेगा I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 बन गया ये, तो 1/2 + 1/4 ये बन गया हमारे पास 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम गया, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें साफ साफ दिखाई दे रही है 4gh बाई 3r स्क्वायर का। क्लियर? तो आर स्क्वायर में से आर को बाहर लेके आ सकते, तो आंसर फर्स्ट ही हो गया 1/r√4gh/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा रोटेशन का जो है पार्ट वन वो कंप्लीट हुआ, इसी के जो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, तो तब तक सही बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, सभी को गुड लक, थैंक यू।